फोर्थ ऑप्शन इज के लार्ज प्लांट लगाएं अब इसमें से कौन सी ऑप्शन हम सेलेक्ट करें अगर हम लार्ज प्लांट लगाते हैं और फेवरेबल मार्केट होती है तो हंड्रेड थाउजेंड का प्रॉफिट बनेगा एडिशन होगी अगर अनफेवरेबल मार्केट है तो फिर इन दैट केस नेगेटिव उसमें प्रॉफिट होगा विच इज लॉस तो नाइनटी थाउजेंड का लॉस होगा अगर मीडियम प्लांट लगाते हैं थाउजेंड का प्रॉफिट के चांसेस है और अगर फेवरेबल मार्केट हुई और टेन थाउजेंड डॉलर के लॉस के चांसेस हैं अगर अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन हुआ इसी तरह स्मॉल प्लांट अगर हम लगाते हैं तो रिटर्न फोर्टी थाउजेंड डॉलर की प्रॉफिट है जबकि अगर अनफेवरेबल है तो फाइव थाउजेंड डॉलर का लॉस इनकर होगा मार्केट रिसर्च की और उससे पता चला कि फेवरेबल जो कंडीशन है मार्केट है उसके प्रोबेबिलिटी इज पॉइंट फोर जबकि अनफेवरेबल की पॉइंट सिक्स है अनफेवरेबल मार्केट के चांसेस ज्यादा हैं अब इस बेसिस के ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर हमें कौन सा ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहिए इस केस के अंदर दिस इज द डिसीजन जो कि हमने फाइनली करना है स्क्वेयर इससे एक ब्रांच निकल रही है जो कि लार्ज प्लांट की ऑप्शन है और इस बेसिस के ऊपर दिस इज द पॉइंट जहां चांस इवेंट आ रहा है ठीक है, है और मार्केट फेवरेबल है उसके पॉइंट फोर प्रॉबिलिटी है और मार्केट अनफेवरेबल है उसकी पॉइंट सिक्स प्रोबिलिटी है और जैसे उसके अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि फेवरेबल होगी तो हंड्रेड थाउजेंड अनफेवरेबल हुई तो नाइनटी थाउजेंड का लॉस और इस बेसिस ऊपर हमने कैल्कुलेट करना है कि लार्ज प्लांट हमें प्रॉफिट देगा या लॉस देगा उसकी क्या फिगर होगी क्या होगा इसके अंदर अगर हम देखें तो हंड्रेड थाउजेंड मल्टीप्लाई माइनस फोर ये नेगेटिव है तो माइनस एंड थाउजेंड मल्टीप्लाई अस फोर्टीन थाउजेंड डॉलर और फोर्टीन थाउजेंड डॉलर का लॉस इस केस में अगर हम लार्ज प्लांट लगाते हैं एक्सपेक्टेड लॉस है ये इसी तरह सेकेंड इज मीडियम प्लांट और अगेन सेम फेवरेबल पॉइंट फोर एंड अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन इज पॉइंट सिक्स बट इस केस के अंदर फेवरेबल अगर मार्केट कंडीशन हो तो सिक्सटी थाउजेंड का हम प्रॉफिट बनाएंगे अनफेवरेबल हो तो टेन थाउजेंड का लॉस होगा अब इनको फिर अगेन सिमिलरली हमने सॉल्व करना है सिक्सटी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय पॉइंट फोर माइनस टेन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय पॉइंट सिक्स एंड वी विल गेट एटीन थाउजेंड का प्रोफिट सो इन केस ऑफ मीडियम प्लांट हम एटीन थाउजेंड डॉलर उसके अंदर प्रॉफिट ऐड कर लेंगे अपने रेवेन्यू में स्मॉल प्लांट के अंदर अगेन सेम थिंग फोर्टी थाउजेंड हमने कहा था कि अगर फेवरेबल हुआ तो फोर्टी थाउजेंड का प्रॉफिट बनेगा फाइव थाउजेंड का लॉस होगा अगर अनफेवरेबल कंडीशन हुआ इसके अंदर भी इसी तरह कैलकुलेशन की एंड वी गेट प्रॉफिट ऑफ अगर हम स्मॉल लगाएं प्लांट तो थर्टीन थाउजेंड का प्रॉफिट आ रहा है इफ वी डू नथिंग तो हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे रेवेन्यू में कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो रहा सो so बेसिकली अगर हम इन चारों ऑप्शन को देखें तो वी सी के एटीन थाउजेंड मैक्सीमाइज आर प्रॉफिट सो आर डिसीजन शुड बी के वी शुड बिल्ड मीडियम प्लान तो इस बेसिस के ऊपर ये डिसीजन ट्री के बेसिस से हम कैपेसिटी का डिसीजन कर रहे हैं